रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर के फोरम से नसरीन खान। आज हम सेकंड चैप्टर की दूसरी सूरा यानी सूरत आराफ में से चंद आयात का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पेश करेंगे। सूरत आराफ का मतलब यानी लफ्ज आराफ का मतलब जन्नत और दोजख के दरमियान एक जगह है। इसमें जो इस सूरत में जो मज़मून बयान हुआ है उसमें रसूल पाक को मानने की यानी रसालत की दावत है। हमने सूरत इनाम में देखा था कि जो मुशरिकीन मक्का को दावत दी जा रही थी उसमें तौहीद और आखरत ये मौजू बहस थी, लेकिन अब इसमें रसालत की दावत है। यानी मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है कि तुम मुसलसल जो रसूल की तकज़ीब किए जा रहे हो तो अपने अंजाम के बारे में ख़बरदार हो जाओ। इसके हवाले से तारीख़ में जितनी कौमों पर इसी रसूलों की तकज़ीब के मामले में जो उनको उनके ऊपर अजाब आया और जो सज़ाएँ आईं उनकी तफसील इसमें बयान की है। इसमें हज़रत नूह, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, आद और समूद की कौमें, इन सब की तफसील बयान की गई है कि उन्होंने किस तरीके से रसूलों की तकज़ीब की, किस तरीके से उन्होंने सरशी इख्तियार की और फिर उनका अंजाम क्या हुआ। ताब के दौरान रुख यहूद की तरफ भी था तो मुशरिकीन मक्का को यहूद की मिसाल देकर ये बताया कि अहद तोड़ना और मुनाफ़कत करना या हक़ को जान लेने के बाद बातिल परस्ती की तरफ आ जाना, इससे अंजाम क्या होता है। ये एक वार्निंग थी मुशरिकीन मक्का के लिए भी कि अगर वो रसूल को मान लेते हैं और उसके बाद फिर पीछे हटते हैं तो फिर उनका अंजाम भी उन्हीं की तरह होगा जिस तरह के यहूद का हुआ। और सूरत के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो ईमान लाए हैं सहाबा उनको तलकीन की गई कि दावत किस तरह से देनी है। दावत के दौरान जो मराहिल उनको आएंगे जिसमें के लोग मुख्तलिफ चालें चलेंगे, मुनाफ़कत करेंगे और इसके अलावा यह है कि इश्ताल अंगेजियाँ करेंगे, बहुत मजाक उड़ाने का अंदाज़ उनका होगा, तो उनके साथ आपने किस तरीके से डील करना है। इंतहाई सब्र, इंतहाई इस्तकामत और हर वक्त याद इलाही में अपने आप को मामूर रख के आप इस मामले को डील कर सकते हैं। यानी दावत देने के लिए किस तरीके से आपने सब्र और कांस्टेंट खुदा के साथ रابطے के लिए तैयार रहना है, जिसका अंजाम ये होगा कि आप आखिरी फतह आप लोगों की होगी। और फिर एंड में सूरत का बिल्कुल आखिर इस तरह से है कि कुरैश को अहद फितरत की याद दहानी कराई और बनी इसराइल से इबरत हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर वो इस इन मामलात की तरफ तवज्जो दे देंगे कुरैश वाले तो वो एन मुमकिन है कि वो अपना रास्ता बदल लें और वो सही ट्रैक पे आ जाएं। तो इस सारे मामलात में हमने जो आयात सेलेक्ट की हैं वो आयत 32, 33 एंड 34 हैं। ये बड़ी ही इस लिहाज से अहम आयात हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने बयान किया है कि मैंने किन चीज़ों को हराम करार दिया है अदर देन खाने पीने वाली चीज़ों के अलावा, और ज़ीनतें जिसके ऊपर जैसे जो रहबाना ज़िंदगी का तसव्वुर है नसारा में या यहूद ने बहुत सारी शरीयत के अंदर अपने ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ एक्स्ट्रा लगवा ली हुई थी, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों के लिए ख़ास ये बात बयान की है कि अल्लाह ताला ने ज़ीनतों को किस तरीके से मुसलमानों के लिए ही रखा है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और कौन सी चीज़ें हैं जो खाने के अलावा हराम है। चलिए तो हम देख लेते हैं आज की आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे पूछो ऐ पैगंबर, अल्लाह की उस जीनत को किसने हराम कर दिया जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की थी,
और खाने की पाकीज़ा चीज़ों को किसने ममनू ठहराया? इनसे कहो वो दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं, लेकिन आखरत, लेकिन खुदा ने मुनकरों को भी उसमें शरीक कर दिया है। यानी दुनिया में ये नियमतें ईमान वालों के लिए हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत की वजह से मुनकरों को भी इसमें शरीक किया हुआ है, और क़यामत के दिन तो ख़ास उन्हीं के लिए होंगी, यानी मुनकरों को इनमें कोई हिस्सा ना होगा क़यामत के दिन। हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहें अपनी आयतों को इसी तरह तफसील से पैदा करते हैं। जीनत के बारे में आप जान लें कि यह अरबी का वो लफ्ज़ है जिस जो उन चीज़ों के लिए आता है जिसमें इंसान अपने हिस्से जमालियात की तस्कीन के लिए किसी चीज़ को सजाता है। चुनाचे लिबास, जेवरात, बदन वगैरह की जीनत और घरों में जो हम इस्तेमाल की चीज़ें रखते हैं उनमें जीनत, और इमारतें, बागात वगैरह, ये भी जीनत, ये सारी जीनत की चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको बिल्कुल हराम नहीं किया, ये ईमान वालों के लिए अल्लाह का तोहफा है। फरमाया, कह दो मेरे परवरदिगार ने तो सिर्फ फवाहिश को हराम किया है, ख़्वा वो खुले हों या छुपे, और हक तलफी और ना हक ज्यादती को हराम किया है। यहाँ पर ज्यादती के साथ ना हक का लफ्ज़ उसके घिनौनेपन को ज़ाहिर कर रहा है, यानी वो इंतहा जो होती है किसी बुराई की उसको ज़ाहिर कर रहा है, और उसको कि तुम अल्लाह के साथ किसी का शरीक ठहराओ जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इसको कि तुम अल्लाह पर इफ्तरा करके कोई ऐसी बात कहो जिसे तुम नहीं जानते। यानी इसमें अपनी तरफ से हलाल और हराम फतवे जो दिए जाते हैं, या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में जो बिदतें ईजाद की जाती हैं, या अपनी तरफ से शरीयत की तसनीफ की जाए और उसे खुदा से मंसूब किया जाए, ये सब चीज़ें इसी के तहत होंगी। कहा, इन सब हुरमतों के मामले में तुम्हारी सरकशी के बावजूद वो तुम्हें नहीं पकड़ता, तो इसकी वजह ये है कि हर कौम के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आज की ये सिलेक्शन से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। अल्लाह से दुआ है कि हम कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। इंशाल्लाह कल अगले रोज़े में फिर मुलाकात होगी अगली सूरत, अगली आयात और अगली तफसीर के साथ। अल्लाह ने के मान।